गुरु ये आर पार हो गई है क्या आप में और अब आपके सबसे बड़े सहयोगी जेडीयू में, या ये नूरा कुश्ती चल रही है? संदीप जी नहीं, देखिए सबसे बड़े, सबसे पुराने, सबसे ठोस, सबसे गहरे, सबसे विश्वसनीय, तो ये संबंध कोई आज का नहीं है। और आप जानते हैं संदीप जी कि भारतीय राजनीति में ट्रस्ट, भरोसे और विश्वास का गठबंधन जो होता है, भारत की राजनीति में गठबंधन धर्म का जो शब्द आया पहली बार, वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, लेकर के आए थे कि गठबंधन भी हमारे लिए धर्म के समान है। तो ये सत्ता की प्राप्ति, किसी पद पे पहुंचना, ये हमारी दृष्टि में ऐसा नहीं है। जहां तक जदयू से संबंध का सवाल है और आज का जो विषय है, ये शुद्ध रूप से उनका इंटरनल मैटर है। उनके यहां एक नेता थे, उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया, ये उनका आंतरिक मामला, इस पर हम लोग टिप्पणी करना उचित नहीं समझते हैं। नहीं नहीं, लेकिन आप आंतरिक मामले पर टिप्पणी मत कीजिए, गठबंधन के पर क्या आप जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में उसकी हिस्सेदारी होगी? अब आरसीपी तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर जाएंगे, या क्या बीजेपी उन्हें राज्यसभा में भेजकर उनको बनाए रखेगी मंत्रिमंडल में? सवाल है ये अहम। जेडीयू के कोटे से कौन मंत्री बनेगा, ये जेडीयू का नेतृत्व तय करेगा। आरसीपी जी का भविष्य क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। इस पे अभी कुछ भी एंटिसिपेट करके टिप्पणी करना, मुझे लगता है कि अभी जल्दबाजी होगी, अभी इस पे टिप्पणी करना उचित नहीं है संदीप जी। लेकिन 2020 में जब हम चुनाव लड़े थे, उस चुनाव में हम लोगों ने स्पष्ट कहा था, जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। वो चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा गया, मोदी जी के मार्गदर्शन में लड़ा गया। नीतीश जी उस चुनाव में हमारा फेस थे। नीतीश जी बिहार के 2025 तक एनडीए के मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई असमंजस नहीं है। जो भी नहीं, वो रहना चाहते हैं क्या? हो रही है, वो रहना चाहते हैं क्या? सवाल वहां पर है। ये मतलब राजनीतिक संयोग होता है, एक नहीं दसियों वाकई एक साथ पेश आए। ललन सिंह ये कहते घूमे कि हम किसी की कृपा पर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, जातीय जनगणना की बात कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेच आता दिखता है, विशेष राज्य का दर्जा की बात है, अब आरसीपी को टिकट ना देना, ये तार कुछ ज्यादा नहीं जुड़ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, देखिए संदीप जी, आप हमारे इतिहास से आप भली भांति अवगत हैं। एक समय था जब फारूक अब्दुल्ला जी, ममता बनर्जी जी, चंद्रबाबू नायडू जी, हम लोगों का गठबंधन रहा है और हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। इन सब विषयों पर टिप्पणी करना हम लोगों के लिए ना शोभा देता है ना उचित है। नहीं, पर ये बिछड़े सभी बारी बारी का खेल हो रहा है ना, उनका अपना जो मन होगा, अपनी जो देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी वाला कुछ खेल हो रहा है। वो गाना गुनगुनाने का क्या मन करता है बीजेपी का? अरे शिवसेना छोड़कर चली गई शिरोमणि अकाली दल, आपने कहा ना सबसे पुराने सबसे विश्वसनीय घटक, वो थे शिवसेना, फिर थी शिरोमणि अकाली दल, उसके बाद आई जेडीयू, दो चले गए, अब तीसरा भी जाने की तैयारी कर रहा है क्या? तो एनडीए बेसिकली बीजेपी रह जाएगी। संदीप नहीं नहीं नहीं, देखिए संदीप जी, पार्टियां जिनका आप नाम ले रहे हैं, शिवसेना हो या शिरोमणि अकाली दल हो, देश की जनता हमारी प्राथमिकता है, देश की जनता का सपोर्ट मिल रहा है। और आज 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस मंत्र पे हम चलने वाले लोग हैं। हमारा दायरा बढ़ता जा रहा है, हमारा परिवार कुछ एक पार्टियां नहीं है, कुछ एक लोग नहीं है, पूरा देश हमारा परिवार है। मतलब ये घटकों की जरूरत नहीं है आपको? जा रहा है। जहां तक इस संबंध की बात है, ऐसा आप कह रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं, सबकी जरूरत है, हमें तो 135 करोड़ लोगों की आवश्यकता है, कोई एक घटक कब? अब ये शुद्ध रूप से इनका आंतरिक, मतलब मुझे तो संदीप जी ताज्जुब भी होता है कि इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता क्या थी, ये इंटरनल डिबेट था, इसको पटना तक सीमित रखते आप, इस पे ये पटना तक सीमित है। अभी तो जुलाई में राष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, उसमें जरूरत पड़ेगी ना आपकी, आपको जरूरत पड़ेगी ना जेडीयू की, कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, देखिए जरूरत तो पड़ेगी ना, तो अब भविष्य के गर्भ में जो सवाल है उसको लेकर के अभी क्यों उत्सुक होना है, उसको लेकर के अभी अनावश्यक एंटिसिपेट करने का कोई पॉइंट नहीं है। हम सुदृढ़ हैं
और आगे भी हम सुदृढ़ रहेंगे। 2025 तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। पहले न जाने कितनी बार मैंने बात बोला है, दोबारा आपके शो पे ऑन लाइव और रिकॉर्डिंग बात कह रहा हूं।